न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना ऐसी खौफनाक तस्वीरें शहर में सामने आ रही हैं जिसमें बेसहारा पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा तरीन तस्वीर रेवाड़ी की शिव कॉलोनी से सामने आई है जिसमें एक गली में खड़े एक बुजुर्ग पर एक सांड ने हमला कर दिया। बुजुर्ग पर सांड द्वारा किए गए हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वीडियो को जिसने देखा वो सहम गया क्योंकि सांड ने न केवल बुजुर्ग पर हमला किया बल्कि काफी समय तक बुजुर्ग को टक्कर मारता रहा और घसीटते हुए 15 फीट दूरी तक ले गया। शहर की शिव कॉलोनी की गली नंबर 3 निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग गली में खड़े हुए थे तभी अचानक से एक काले रंग का सांड आया और बुजुर्ग पर हमला शुरू कर दिया। बुजुर्ग बचाव में अपने हाथ की बेंत से सांड को भगाने की कोशिश करता रहा लेकिन सांड थोड़ी देर रुककर फिर से बुजुर्ग को टक्कर मारने लगा। इस दौरान सांड को काफी दूरी तक बुजुर्ग को घसीटते देखा गया जिसके बाद जैसे तैसे करके बुजुर्ग को सांड के चंगुल से छुड़ाया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये खौफनाक तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। इस घटना में बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रेवाड़ी जिले के गांव जलियावास से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जहां सांड ने लड़ते लड़ते एक बाइक सवार को रौंद दिया था। इसके बाद सेक्टर 4 में भी 2 सांडों ने लड़ते लड़ते 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके अलावा भी बीते साल सांड 3 लोगों की जान भी ले चुके हैं और हादसे होना यहां आम बात सी हो गई है। बावजूद इसके बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग की माने तो बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए योजना बनाई जा रही है जिसका असर भी जल्द ही दिखाई देगा। बहरहाल अधिकारी सालों से कह रहे हैं कि बेसहारा पशुओं को उन्हें गौशाला भेजा गया है और बेसहारा पशुओं को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी भले ही अभी तक इसके लिए योजना बना रहे हों और योजना बनाने की बात कर रहे हों लेकिन रेवाड़ी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे हैं कि जहां देखो वहीं बेसहारा पशुओं का जमावड़ा और लोग उनसे डरे हुए देखे जा सकते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। संज्ञान में है और इस पर हम योजना बना रहे हैं। बड़ी जल्दी योजना बना के आवारा पशुओं पे काबू पाया जाए।